जाओ जाकर किसी से दूध रख दो और कल से जल्दी आ जाना। लेट तुम होते हो और दादा मुझ पर चिल्लाते हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा वो। कोई बात नहीं, मुझे सर से मिलना था। आपका नाम? राफे राय चौधरी। हाँ एक मिनट, मैं चेक कर लेती हूँ। इसमें तो आपका नाम ही नहीं है। सर को मेरा नाम बता दीजिए, काफी है। ओ एक मिनट दादा, कोई राफे करके आदमी आया है और बोल रहा है कि आपको अपना नाम बता दें और आप उनको जान लोगे, क्या बोलूँ उसको? हाँ दादा ने बोला है आपको जाकर गार्डन में वेट करना है, तो आप प्लीज गार्डन में जाकर वेट कर दीजिए। गार्डन में? हाँ गार्डन में। लेकिन मैं तो अक्सर यहाँ पर वेट करता हूँ, यहाँ कर लूँ? जी नहीं, आपने सुना नहीं, मैंने बोला गार्डन में जाके वेट कीजिए। आप ही चलेंगे? क्या आप ही चलिए, गार्डन में अच्छा रहेगा। मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत सारा काम है। आपको वैसे पहले यहाँ पर कभी देखा नहीं? मैंने भी तो आपको नहीं देखा। क्या करते हो आप? आपको मतलब? मैं रफे राय चौधरी, आपका नाम? मैंने पूछा आपसे दोबारा? नहीं ना, आपसे मैं बोल रही हूँ ना, जाके गार्डन में वेट कीजिए, फिर आप समझ क्यों नहीं रहे बात को? ओके, जब दादा आ जाए तो प्लीज मुझे आवाज दे दीजिएगा। जी शुक्रिया, मैं आवाज दे दूंगी। अब आप जाएंगे? जाएंगे तभी तो आवाज दूंगी, है ना? चाय? हाँ दादा। दादा देखिए ना, वो दूध वाला हर रोज नहीं आता, मैं तो उसको हटा देने वाली हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ अब, दूध कैसे, दूध नहीं तो चाय कैसे बनाऊँ? हाँ ग्रीन टी बना दूँ आपके लिए? ठीक है। हाँ ग्रीन टी बहुत हेल्दी होता है ना। अरे आप फिर यहाँ आ गए, मैंने आपसे बोला था ना गार्डन में जाके वेट करने। नहीं एक्चुअली मैं अभी जा रहा हूँ, और दादा साहब प्लीज कह दीजिएगा कि मैं उनसे कॉलेज में मिलूंगा। जी थैंक यू सो मच, आप जा रहे हैं, मैं बोल दूंगी दादा को कि आप चले गए, है ना? ओके बाय। बाय बाय। दादा वैसे ये लड़का कौन था, बहुत बोले जा रहा था।